Well, hello friends and welcome to another episode of Bollywood This Week. Well, friends, इस हफ्ते की पहली फिल्म और इस साल की आखिरी फिल्म हम जो रिव्यू करेंगे उस फिल्म का नाम है अक्षय कुमार, कियारा आडवाणी, दिलजीत दोसांझ एंड करीना कपूर खान की फिल्म गुड न्यूज. वेल फ्रेंड्स, गुड न्यूज देखने बैठा तो लिटरली मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं एक राज मेहता की फिल्म देख रहा हूँ. क्या ये धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म है? एंड लिटरली जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती गई एंड स्पेशली इंटरवल से पहले दिलजीत दोसांझ आता है एंड इंटरवल के बाद दिलजीत दोसांझ अपने पागलपन का पिटारा खोलता है एंड अक्षय कुमार कम्स इनटू हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, दीवाने हुए पागल, आवारा पागल दीवाना मोड. ऐसा लगता है कि बॉस ये कहीं प्रिया दर्शन की फिल्म तो मैं नहीं देख रहा हूं. दिस इज नॉट एन इमोशनल फिल्म. यस, द इंटरवल के बाद या प्री क्लाइमैक्स इमोशनल है, लेकिन ये गाइज एन आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म है. इतना हंसा हूं मैं इस फिल्म में. लिटरली इस फिल्म के वन लाइनर्स आर आउट ऑफ द वर्ल्ड. स्पेशली ज्योति कपूर, राज मेहता, इन दोनों ने मिलकर जो स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले इस फिल्म की, द स्क्रीन प्ले ऑफ दिस फिल्म इज सो ब्यूटिफुली रिटन. एक ही घर में, एक ही बिल्डिंग में, एक ही सोसाइटी में फिल्म को शूट करना, इतनी कन्विंसिंगली लोगों की परफॉर्मेंसेस सामने लाना इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. ये ह्यूमर जो उन्होंने फिल्म में दिखाया है वो गलत तरीके से गलत दिशा में जा सकता था, लेकिन अक्षय कुमार के तीन सीन है इस फिल्म में. पहला, जब करीना कपूर खान उसे सेक्स करने के लिए फोर्स करती है. दूसरा, जब अक्षय कुमार गांजा मार के कायरा आडवाणी के सामने खड़ा हो जाता है. एंड तीसरा सीन, जब दिलजीत दोसांझ और अक्षय कुमार एक बार में दारू पी के डांस करते हैं. तीस थ्री सीन्स आर द हाईलाइट ऑफ गुड न्यूज. एंड लिटरली बोल रहा हूं गाइज, इंटरवल के बाद तुम लोग का पेट पकड़ पकड़ के तुम लोग हंसोगे. दिलजीत दोसांझ इज मैड इन दिस फिल्म. लिटरली बोलता हूं, दिलजीत दोसांझ को रोहित शेट्टी शुड कास्ट हिम इन हिज नेक्स्ट गोलमाल फिल्म. फिर हेरा फेरी में भी दिलजीत दोसांझ का एक रोल होना चाहिए. दिलजीत दोसांझ ने नट क्रैक क्रैक जैकर रोल किया है. लिटरली उस बंदे ने फाड़ के हंसाया. लेकिन गाइस, जहां पर ये फिल्म हंसाती है, ये आपको उतनी ही मात्रा में प्री क्लाइमैक्स का जो 20 मिनट है वहां पर आपको फूट फूट कर रुलाती है. एक बाप की आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य दिखाई देता है जब उसका एक छोटा सा बच्चा, 7-8 महीने का जो बच्चा प्री मैच्योर पैदा होता है, जब उसकी पहली झलक उसका बाप देखता है, जो रिएक्शन, जो इमोशन उस बाप के ऊपर बीतती है, मेनी फ्यू एक्टर्स, मेनी फ्यू पीपल वुड हैव इमोटेड दैट काइंड ऑफ इमोशंस ऑन द स्क्रीन. लेकिन अक्षय कुमार को वापस से सुनहरे पर्दे पर इस तरह से फूट फूट कर रोता हुआ देखता, इतना बेहतरीन लगता. क्योंकि गाइस, अक्षय कुमार ने प्री क्लाइमैक्स में जो इमोशनल सीन है जहां वो रोते हैं एंड इस तरह रोते हैं कि उनको रोकना मुश्किल नामुमकिन है, दैट सीन इज द बेस्ट सीन ऑफ दिस फिल्म. अक्षय कुमार डिलीवर्स अन आउट ऑफ द पार्क परफॉर्मेंस. ही कम्स इन, वो पैड वैड पहनकर आते हैं, पहले 10-15 बॉल टाइम पास करते हैं, लेकिन उसके बाद चौको छक्कों की बरसात होती है एंड लास्ट में तो वो सीधा सुपर ओवर खेल लेते हैं. द टाइमिंग, द कॉमिक टाइमिंग ऑफ अक्षय कुमार इन दिस फिल्म इज ब्रिलियंट. बात करें करीना कपूर खान की, तो वो क्या कर रही है मेरा भाई, तैमूर्स मदर शुड डू मोर फिल्म्स. शी इज एलिगेंट, शी इज ब्यूटिफुल, शी इज क्लासी, शी इज एलान. वो कहते हैं ना, ओए हाई सोसाइटी वाली, शी इज आउट ऑफ द वर्ल्ड. वॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कियारा आडवाणी फ्रॉम प्रीति टू दिस रोल. शी इज आउट ऑफ द वर्ल्ड एज मोनिका. शी इज लाउड माउथेड, शी इज ब्लैबर. एंड गाइस, जितने भी सीन्स करीना कपूर खान एंड कियारा आडवाणी के इस फिल्म में दोनों साथ में है, उनकी केमिस्ट्री मार्वलेस है. आदिल हुसैन, टिस्का चोपड़ा एज द डॉक्टर्स इन द आईवीएफ सेंटर्स. हमारे यहां आपको मिलेगी सिर्फ गुड न्यूज और आउट ऑफ द वर्ल्ड. बाप एक्टिंग किया दोनों ने. अक्षय कुमार किस तरह से डॉक्टर की बीवी यानी कि टिस्का चोपड़ा पे लाइन मारते हैं इज आउट ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन गाइस, एक सीन इस फिल्म में जहां अक्षय कुमार को उनके जो स्पर्म का सैंपल है वो डोनेट करने के लिए एक रूम में भेजा जाता है और रूम का नाम रहता है सुपर डीलक्स सैंपल कलेक्शन रूम. वहां पे बिकिनी की फोटोज रहती है, अच्छी अच्छी ट्रिपल एक्स मॉडल की फोटोज रहती है, ट्रिपल एक्स मैगजीन्स रहती है वहां पर. लेकिन अक्षय कुमार का दिल आ जाता है टिस्का चोपड़ा पे एंड वो अपना स्पर्म का सैंपल टिस्का चोपड़ा को देखते देखते करना चाहते हैं. दैट इज राइटिंग, दैट इज ब्यूटिफुल. यस, कॉमेडी एडल्ट कॉमेडी है. कॉमेडी इसकी थोड़ी ग्रैंड मस्ती एंड मस्ती टाइप स्टार्टिंग में जो सीन्स है वो आपको उन फिल्मों की याद दिलाई देगी जो सेक्स कॉमेडीज रहती है. लेकिन वो स्टार्टिंग का 20-25 मिनट है, लेकिन दोज आर इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट, ओव्यूलेशन, मास्टरबेशन, यू नो सेक्सुअल पोजिशंस, किस तरह से किस वक्त पर सेक्स किया जाए तो बराबर यू नो प्रेगनेंसी हो सकती है. दीज टॉपिक्स वर नेसेसरी टू डिस्कस, लेकिन राज मेहता ने इसे कॉमिक एंगल से डिस्कस किया है. लेकिन मेरा भाई, इस फिल्म में जो छोटा बच्चा है जो होला राम का कैरेक्टर निभाता है, अक्षय कुमार बोलता है अच्छा होली के दिन पैदा हुआ तो होला राम रख दिया, लोहरी के दिन पैदा हुआ तो बेटे का नाम क्या रखते हैं. अंजना सुखानी जो एक पहले एक्ट्रेस रह चुकी है, वो उसका पति इस फिल्म में बहुत बेहतरीन. अक्षय कुमार के माता पिता इस फिल्म में बहुत कॉमेडी दिखाए गए हैं. अक्षय कुमार की माँ उसको कहती है ओए मेरे बेटे को स्लिप डिस्क हो गए, बोलते अरे माँ पीठ में जो होता है उसे डिस्क कहते हैं, नीचे जो होता है उसे डिस्क कहते हैं. चलिए गाइस आज का एपिसोड शुरू करते हैं विद द रिव्यू ऑफ गुड न्यूज. फ्रेंड्स गुड न्यूज की शुरुआत होती है फोक्सवैगन कार के शोरूम में. अक्षय कुमार एक कार एजेंट है, बहुत स्टाइलिश है, स्मार्ट है. स्पेशल मार्क्स टू अक्षय कुमार कॉस्ट्यूम एंड द हेयर डिपार्टमेंट, फैंटास्टिक. अक्षय कुमार ने भारी भारे फॉर्मल्स पहने हैं, इतने बेहतरीन कि आप यू नो टेलर के पास जाओगे ऐसे नाप के कपड़े सिलाने के लिए. दिलजीत दोसांझ के बलेंसियागा के शूज, उसके जैकेट्स, मैंने इसके पहले गाने से इसकी तारीफ की है. अक्षय कुमार को यहां पर इतने अच्छे बच्चे पसंद नहीं है. अक्षय कुमार सबसे बड़ा हिलेरियस सीन देखो, पिक्चर की शुरुआत में अक्षय कुमार आता है, नंदू ये क्या कर रहा है, यू नो हीरोगिरी पीने में नहीं है, ये स्टेवी पैड देने में. और उसके बाद अगले ही 5 मिनट के बाद अक्षय कुमार बार में सुट्टा मार रहा है, बियर पी रहा है. मतलब उसका कैरेक्टर है तो उसको कैरेक्टर में आना पड़ेगा. इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग. करीना कहती है जल्दी घर पे आ जाओ, आज बच्चे करने हैं. अक्षय कुमार ड्राइविंग अ साइकिल थ्रू द मुंबई. अक्षय कुमार जैसा एक्टर यूजली कांच फोड़ कर गोलियां चलाकर आता है, लेकिन यहां पर वो साइकिल चला के किस तरह से पूरे मुंबई में जाता है वो बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है. करीना कपूर कहती है बोला था ना सिगरेट पीने से, दारू पीने से स्पर्म काउंट कम हो जाता. अक्षय बोलता है अरे यार एक ही ड्रैग लिया है, एक ड्रैग से अगर मेरे स्पर्म काउंट को फर्क पड़े तो ऐसे स्पर्म पे लानत है. वो सीन काफी अच्छा. अक्षय कुमार बोलता है अरे मेरी पॉटी है, उसको अंदर रहने दो. अक्षय कुमार के अंदर का जो यू नो कॉमेडियन था, जो आवारा पागल दीवाना हे बेबी यू नो दीवाने पागल में निकलता था अपने बच्चे को खिलाओ, वो उसके एक लेवल ऊपर जाके वो गांजा वाला सीन में आऊंगा उस पे किया है. वेल फ्रेंड्स यहां पर अक्षय कहता है कि मैं अब नहीं कर सकता. करीना कपूर उसे बार-बार कहती है कि तूने एक ही बार किया है सेक्स, वापस करो. अक्षय कुमार बोलता है अरे यार थक गया हुआ, कभी जान नहीं बच्ची मेरे अंदर, अभी बस धुआं बचाओ. काफी अच्छा है किस तरह से इवन मेल्स कैन फेक एन ऑर्गेज्म, ये इसमें काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया है. ज्यादा जोर लगाया तो मेरे को हर्निया हो जाएगा. अक्षय कुमार का वो डायलॉग भी काफी बेहतरीन है, चाहे वो प्लेन में सेक्स करना हो, माय वाइफ इज ओव्यूलेटिंग, ये सब काफी थोड़े यू नो एडल्ट यू नो डायलॉग्स है जो कि यू नो बच्चों के साथ या फिर यू नो फैमिली ऑडियंस के साथ नहीं देखा जा सकता है. लेकिन तो फिल्म का जो लार्जर मैसेज है वो बहुत बेहतरीन तरीके से सामने आता है. लेकिन गाइस यहाँ पर जो पहला गाना है बिल्लोनी तेरा लाल गगरा, ये दर्शाता है कि धर्मा प्रोडक्शंस क्यों इस देश का सबसे जाना पहचाना नामचीन प्रोडक्शन हाउस है. द प्रोडक्शन वैल्यूज ऑफ द लाल घगरा सॉन्ग आर एब्सोल्युटली अमेजिंग. अक्षय कुमार अपनी पूरी जान डाल देता है. यू नो सिंग इज किंग का जो गाना था यू नो घोड़ी किससे चढ़ाया भूतनी के, वो एनर्जी जब वो घाघरा पहन लेते हैं उसी तरह के एनर्जी पे वापस आ जाते हैं गाइज यहाँ पर. लेकिन गाइज यहाँ पर अक्षय फुल एनर्जी में रहते हैं. इनके साथ अंजना सुखानी यहाँ पे सेक्सुअल पोजिशन लाइक मिशनरी स्पूनिंग डॉग ये सब एक्सप्लेन करती है एंड कहती है उनको कि तुमको IVF कराना चाहिए, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि वो कपल जो कंसीव नहीं कर सकते हैं. IVF का कॉन्सेप्ट आदिल हुसैन ने काफी कॉमिकली काफी अच्छी तरीके से समझाया गया है. एंड अक्षय कुमार यहाँ पे स्पर्म दे देते हैं एंड उनके बच्चों की तैयारी हो जाती है. यहाँ पर जो एम्ब्रियो रहता है वो करीना कपूर के अंदर इंसर्ट किया जाता है एंड बच्चों की तैयारी हो जाती है. लेकिन 45 मिनट के बाद जब आ जाते हैं तो दूसरे बत्रा यानी कि दिलजीत दोसांझ एंड कायरा एडवाणी, ये फिल्म एक अलग ट्रैक पे चला जाती है. ओ मेरा फायदा मिक्स कर दिया, ओ स्पैम मिक्स कर दिया मेरा, वो सीन्स काफी हिलेरियस गाइस बाप लेवल. लेकिन अक्षय कुमार की फिल्म में जब दूसरे एक्टर को एक सोलो सॉन्ग मिले दैट्स द पॉइंट, खुद सब मत करो दूसरों को भी करने दो. एंड अक्षय कुमार की फिल्म में दिलजीत दोसांझ को एक जुम्बा गाना है जो जिम में करते हैं, लिटरली दैट सॉन्ग इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. कायरा एडवाणी का जो डिक्शन है, जो पंजाबन डिक्शन है, वो काफी क्यूट लगती है, काफी इनोसेंट लगती है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है. दिलजीत दोसांझ अगर ये साल का बेस्ट कॉमेडियन नहीं ले जाएगा तो सीरियसली इट विल बी अ डिसअपॉइंटमेंट. ही डिजर्व्स ऑल द अवार्ड्स फॉर द बेस्ट कॉमेडियन दिस ईयर, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया है. लेकिन गाइज सेकेंड हाफ में दिलजीत दोसांझ सीधा साइकिल से ट्रक चलाने पे आ जाता है, ट्रक से सीधा एरोप्लेन चला लेता है, इतनी पागल कॉमेडी करता है गाइज. लेकिन गाइज वो सीन जब अक्षय कुमार बाथरूम में गांजा पीकर आ जाता है और बाहर ऐसी मजा उड़ाता है, कायरा एडवाणी बोलती है अरे मैं है ना गुरु नानक इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हूँ, गुरु नानक इंग्लिश मीडियम आपके बाथरूम का फ्लैश नहीं चल रहा है क्या, फ्लैश नहीं चल रहा है, पसीने की मेहनत. ओ सीन तो बाप लेवल है, जिसने भी लिखा है बहुत बेहतरीन है. स्क्रीन प्रेजेंस ऑफ करीना इन यू नो कायरा अडवाणी इन द पानीपुरी
फाइटिंग सीन फैंटास्टिक, दिलजीत एंड अक्षय कुमार का जो भंगड़ा है काला चश्मा पे इन द डांस बार इज फैंटास्टिक, जिस तरह से यहाँ पे स्क्रीन प्ले लिखा गया है स्पेशली लास्ट 20 मिनट्स सुपर्ब। बी प्राक का माना दिल का है मेरा है कसूर बेहतरीन बेहतरीन बहुत बेहतरीन टाइम पर आता है। ऑल इन ऑल ज्योति कपूर के डायलॉग्स, राज मेहता का डायरेक्शन एंड अक्षय कुमार का टेरिफिक परफॉर्मेंस धरती हिला देता थिएटर में, पागल हो जाओगे तुम हंस हंस के। दिलजीत दोसांझ जो कहते हैं ना कि आइसक्रीम के ऊपर फुल चॉकलेट टॉपिंग है, गुड न्यूज इज अ सुपर डुपर हिट एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस। आई गिव गुड न्यूज 4.5/5 स्टार्स, मस्ट वॉच, मिस मत करना, बहुत मजा आएगा फिल्म देखने के लिए, क्लास के लिए भी है ऑडियंस, मास तो पागल हो जाएगी हंस के थिएटर में। इट्स अ विनर एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस। नाउ एंड साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन, गुड न्यूज़।